अगली खबर भी हाथरस से है। हाथरस की तहसील सासनी क्षेत्र के गांव हडोली में संचारी रोग की वजह से गांव के हर घर में लोग बीमार हैं। बीमारी की वजह से इस गांव में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें महिलाएं एवं बच्चे शामिल हैं। बीमारी से बढ़ रहे मरीज की संख्या को देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तरफ से भी कैंप लगाया जा चुका है। संचारी बुखार के कारण अब तक विगत 15 दिनों में 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लगभग 200 से 300 प्राइवेट व सरकारी अस्पतालों में अपना उपचार करा रही हैं, लेकिन बीमारी थमने का नाम नहीं ले रही है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम शंकरलाल कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले हैं? हडोली। ये हडोली में दिन रोज मौतें हो रही हैं, इनका कारण क्या है? सर पता नहीं, दिन रोज एक दो दिन बीतता है, उसके बाद मौत हो जाती है। थोड़ा बुखार आता है और पेट दर्द, और उसके बाद डेंगू बताते हैं और बस यही मौत हो जाती है। सर लगभग कितनी मौतें हो गई हैं आज? लगभग सर सात मौतें हो गई हैं सर। आज कितनी मौतें? 15 दिन के बीच में आज 2 मौत हो गई सर। अच्छा, प्रशासन से कोई मांग की है आपने? सर अभी तक तो नहीं है, पर अब हम ये चाह रहे हैं कि सर यहाँ पर प्रशासन से टीम बिठाई जाए और इनका अच्छे से इलाज किया जाए। अभी तक कोई टीम बैठी है? कोई टीम नहीं आई सर, वैसे ही दवा वबा छिड़कने आई थी बस। गांव में अभी तक कितने और पेशेंट होंगे? पेशेंट तो सर घर घर हैं, पेशेंट तो लगभग सर मिनिमम 500 पेशेंट होंगे। जी सर, अगर प्रशासन से सहायता। डेंगू बुखार के? डेंगू है, यही डेंगू मलेरिया यही चल रहा है सर घर घर। प्राइवेट कोई डॉक्टर ना आए? कहीं एडमिट हैं ये लोग? हाँ सर एडमिट हैं। क्या नाम है सर आपका? नाम धीरज सोलंकी है। गांव कौन सा है? हडोली। यहाँ जो मौतें हो रही हैं, आज 2 मौतें हुई हैं यहाँ, कारण क्या है? कारण ये है कि फीवर आता है हल्का सा। जी। फीवर आने के बाद जब रिपोर्ट आती है तो PLC डाउन होती है, प्लेटलेट काउंट। जी। उसके बाद 2 या 3 दिन के अंदर डेथ हो जाती है। इससे पहले कितनी मौतें हुई हैं? अराउंड 7 से 8 मौतें हो चुकी हैं। कितने दिनों में? 15 दिन। अच्छा, और लगभग कितने लोग बीमार हैं अभी? अभी कम से कम नहीं तो 200 या 250 के करीब होंगे। उनकी यही कंडीशन है बुखार वाली? यही, सारों के फीवर है, सारे के प्लेटलेट डाउन है। डॉक्टर के पास जाते हैं वो बस बॉटल या ग्लूकोज देते हैं। अच्छा। क्योंकि सारे लोकल डॉक्टर हैं, ऐसा कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। प्रशासन की तरफ से कोई डॉक्टर नहीं आया? प्रशासन की तरफ से शायद एक दिन ही बस कोई टीम आई थी, उन्होंने एक फॉर्मेलिटी की, फॉर्मेलिटी करने के बाद वो लोग चले गए। उसके बाद ना तो कोई प्रशासन की तरफ से हेल्प मिल रही है, और अब जो हो गया, जितनी मौतें हो गई, मेरी बस प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि जो मौतें हो चुकी हैं उनका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आए जो 200-250 पेशेंट हैं उनमें से किसी को भी कैजुअलिटी ना हो, तो प्रशासन हमें पूरा सपोर्ट करे, हमारे गांव में टीम भेजे, एटलीस्ट 2 डॉक्टर तो पर डे भेजे, ताकि वो जितने भी गांव में पेशेंट हैं वो बीमार पड़े हुए हैं उनको प्रॉपर देख रेख की जा सके। तो मतलब आप अस्थाई अस्पताल की मांग करते हो? हाँ जी। अभी तक तहसील स्तर पर बेसिस पर मतलब मिल जाए? तहसील स्तर पर अभी किसी अधिकारी ने हालचाल लिया है? नहीं, किसी ने नहीं लिया कोई भी। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री जयपाल सिंह। ये मौत कैसे हुई है? मौत हुई है ये का कहते हैं डेंगू बुखार चल रहा है साहब। कहाँ हुई है मौत? ये मौत हुई है अलीगढ़ की तरफ, अलीगढ़ ले जा रहे थे सासनी से अलीगढ़ ले जा रहे थे, सासनी चल रहा था इलाज। अलीगढ़ ले जा रहे थे? अलीगढ़ ले जा रहे थे। कौन से गाँव की घटना है ये? हड़ौली गाँव की है, सासनी के पास। इससे पहले भी कोई मौत हुई है? इससे पहले भी हुई है, कई दिन लगातार मौत हो रही है। कितनी मौतें हो गई? मौत हो गई अभी तक 8वीं मौत हुई है। डेंगू बुखार के कितने मरीज हैं यहाँ अभी? डेंगू बुखार के कम से कम 400 मरीज करीब बैठेंगे। तो प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? कोई कार्रवाई नहीं हो रही है प्रशासन की तरफ से। आपने कोई सूचना दी है? खूब सूचना दी है साहब, वापस निकाल दी है, अपने न्यूज पे निकलवा दी है।